सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी किचन टिप्स है जो आपका पैसा और समय दोनों बचाएगी। कड़ी पत्ते की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है, कभी कभी नहीं मिलता है तो हम स्टोर करते हैं, और स्टोर करने से क्या होता है कि उसके जो पत्ते के कलर होने चाहिए ग्रीन एकदम, वो नहीं होते, बीच में काले पड़ते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता। देखो ये बीच में काफ़ी काले पड़ गए हैं तो ये हमें अच्छे नहीं लगते। तो ये भी कड़ी पत्ता है, ये मैंने सुबह धो के सुखाया है और धो के सुबह ही सुखाया है, और अब मैं इसे एक पैन गरम किया है, इसमें डाल दूंगी। देखिए अब थोड़ा सा गरम ही होना देना है, हमें सेकना नहीं है क्योंकि सेकेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे, थोड़े से गरम ही होना है। अब गरम हो जाएंगे तब उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और हमारे कड़ी पत्ते हैं वो एकदम से ग्रीन रहेंगे। बस ये ग्रीन हो जाने के बाद आपको ऐसा लगे कि वो उसका मॉइस्चर निकल गया है और अच्छे से अंदर ये जो पत्ते हिल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। देखिए आवाज़ आ रही है ना, बस ऐसे आवाज़ आ जाए तब आप इसे पान में से निकाल दो। मैं गैस बंद कर देती हूँ और पान में से निकालने के बाद आप, क्यों ये जल ना जाए उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ गर्म ही करना है। बस आप 5 मिनट के बाद देखिए आवाज़ आ रही है कि नहीं, बस ऐसे आवाज़ आ जाए तभी आपको थोड़ा ठंडा हो जाए तब ऐसे कांच की बोतल में, एयर टाइट बोतल में भर देना है। आपको दोनों में ही फर्क दिखा होगा, ये भी पत्ते सूख गए हैं लेकिन इसका कलर देखो, और ये भी सूख गए हैं, आप इसका भी कलर देखो, इसकी भी आवाज़ आ रही है सूखने के बाद, और ये भी, लेकिन ये सूखे सूखे पड़े रहे हैं। और इसे एक दिन ही सुखाया है और मैंने पान में गरम किया है। गरम सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो पत्ते जल जाएंगे। अब वो ठंडा हो जाने के बाद उसे एयर टाइट बॉटल में भर दीजिए। काफ़ी लोग मिर्ची खाते हैं या तो नहीं खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मिर्ची एसिडिटी भी करती है, लेकिन जो लोगों को एसिडिटी करती है उनके लिए खास है कि मिर्ची पतली वाली से ज़्यादा ऐसी खाइए, क्योंकि ऐसी मिर्ची खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, और जो बच्चे को माइनस नंबर है लेकिन कम है वो उन लोगों के मिर्ची को किसी भी तरह उसकी सब्जी खिलाइए, सलाद में खिलाइए, क्योंकि ये मिर्ची तीखी बिल्कुल नहीं होती, तो किसी भी तरह से बच्चों को अगर ये मिर्ची खिलाई जाए तो उनकी आँखों की रोशनी तो बढ़ती है लेकिन अगर जो नंबर है तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। तो हम पतली मिर्ची की बजाय ये मिर्ची हमेशा बहुत ही फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। काफ़ी लोगों को लौकी की सब्जी पसंद नहीं है क्योंकि उसका अपना स्वाद नहीं होता है, उसे फिक्की लगती है, लेकिन लौकी की सब्जी जब भी बनाए तब बड़े टुकड़ों के बजाय ऐसे छोटे टुकड़ों में काटिए। छोटे टुकड़े में काटने से उसमें जो भी मसाला करोगे वो हर एक एक टुकड़ों में लगेगा और जल्दी मसाला अंदर मिक्स हो जाएगा, और बड़े टुकड़ों में मसाला जल्दी मिक्स नहीं होगा, टुकड़ा अलग सा रहेगा, और आपको लौकी की सब्जी ज़्यादा टेस्टी इसीलिए नहीं लगती। छोटे टुकड़ों में काट के लौकी की सब्जी बना के देखिए। पोहा जब भी तैयार हो जाए तब गैस पे 2 मिनट पहले रखिए और फिर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दीजिए। हम रूटीन मसाले तो हल्दी और हरी मिर्च ये सब तो डालते ही है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मसाला आपको नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला आप अवश्य डालिए। ऐसा करने से आपके पोहे बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट बनेंगे और कुछ अलग, डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी स्वाद मिलेगा। तो बस ऐसे पोहे को आप चाट मसाला डालिए, फिर अच्छे से हिलाइए और 2 मिनट गैस पे रखिए। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।